टेम्परेचर वगैरह सेट करना नहीं है फिक्स है ऐसे थोड़ा कर दो घुमा थोड़ा देख तो घुमाल बाहर फिक्स कर देना आज यहाँ जो रोमियो फोर्सेज के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था ऑलमोस्ट 30 डेज बैक तो 27th ऑफ लास्ट मंथ जो एक प्रोग्राम यहाँ पर ट्रेनिंग चलाया गया था जो आगाज बेकरी के अंडर यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 जो वीमेन्स हैं दे हैव बीन ट्रेंड एंड दे हैव बीन इम्पार्ट स्किल विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग ऑफ बेकरी और कुकीज बिस्किट्स वगैरह और उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी तो एट द वेरी आउटसेट आई वुड लाइक टू कमेंट द रोल ऑफ इंडियन आर्मी खासकर रोमियो फोर्सेज का कि जिनका ये इनिशिएटिव था खासकर CO 16RR नो डाउट इंडियन आर्मी इज डूइंग गुड और रोमियो फोर्सेज जो हैं विद देयर एफर्ट्स आज आप देखेंगे फजलाबाद का एक एरिया जहां मैं खड़ा हूं सरफलांग एरिया में भी इस तरीके के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जहां हमारा जो वीमेन गार्ड है जो वीमेन फॉल्क है उसको जो है स्किल इम्पार्ट किए जा रहे हैं ताकि उनकी एम्पावरमेंट के लिए और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो है काम किया जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आप देखेंगे हमारे एरियाज़ में मेल जो हैं वो मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ रहती हैं और मेल ज़्यादातर अर्निंग हैंड्स रहते हैं तो आज बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि हमारी जो फीमेल फॉक है या हमारी वीमेन लाट है वो भी अब एक किस्म की स्किल डेवलपमेंट जो कोर्सेज हैं खासकर जिसमें स्किल इम्पार्ट किए जाते हैं इस इनिशिएटिव में उन्होंने हिस्सा लिया तो ये बहुत बड़ी बात और मैं ये समझता हूँ कि ये 20 लड़कियां नहीं बल्कि ये 20 आप समझ लीजिए फैमिलीज हैं जो आने वाले दिनों में एम्पावर होंगी और यहाँ का जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे यहाँ की जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ आज ये बिक रहा है बड़ी अच्छी तरीके से एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग एंड कमेंडिंग द रोल ऑफ इंडियन आर्मी तो एक मरतबा फिर मैं CEO साहब का अमन जी का और जिन्होंने भी ये कोर्स यहाँ तक लाया खासकर आगाज बेकरी के नाम से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ बहुत शुक्रिया है मैं फैजलाबाद की रहने वाली हूँ हमारे यहाँ फैजलाबाद में एक बेकरी का सेंटर आर्मी इंडियन आर्मी की तरफ से आया था हमने उसमें काम किया और बेकरी बनाई हमने बिस्कुट बनाए केक बनाया कचौड़ियाँ बनाई मतलब बेकरी हर किस्म के हम तैयार कर सकते हैं और हम बेरोजगार हम अब हमें कोई भी अगर जॉब नहीं मिले तो हम अपने रोज पाँव पर खड़े खुद हो सकते हैं तो हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें फ्री मतलब कुछ भी नहीं उन्होंने दिया और हमें फ्री इतना कुछ दिया और उन्होंने सिखाया उनका शुक्रिया हम अदा करते हैं तो ठीक है शुक्रिया तो क्या किस चीज का कोर्स था यहाँ पे क्या सिखा रहे थे आप बिस्किट बनाना केक पेस्ट्री बनाना ये सब हमने सीख लिया और लड़कियों को भी सिखाया तो क्या समझते हैं लड़कियां जो सीख जाएंगी खुद अपने पांव पे खड़ी हो जाएंगी हाँ सीख जाएंगी पांव पे खड़ी हो जाएंगी क्योंकि ये काम कोई इतना मुश्किल नहीं है आसान काम तो क्या समझती हूँ कि लड़कियाँ ये जो काम करके अपना रोजगार खुद कमा सकती हैं हाँ कमा सकती हैं अगर कोशिश करें तो कमा सकती तो इंडियन आर्मी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो एक महीने के फ्री कोर्स उन्होंने दिया आपको बहुत अच्छा कोर्स दिया और लड़कियाँ भी सीख गई हैं बहुत अच्छी लड़कियाँ भी हैं हमारा ग्रुप भी बहुत अच्छा है हम आगे भी और सीखेंगे जो भी बनाएंगे सब सीखेंगे इंडियन आर्मी के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने फ्री कोर्स लिया इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं जो हम लड़कियों को पांव पे खड़ा किया और हमारी भी बाकी वाली लड़कियों को भी खड़ा किया मैं यहाँ एक महीने से कोर्स कर रही हूँ इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत अच्छा यहाँ सिखाया मुझे और मैंने सीखा भी और मैं इंडियन आर्मी का थैंक यू करना चाहती हूँ आज हमें सर्टिफिकेट भी मिले हैं और बहुत बहुत क्या सीखा आपने मैंने बेकरी बनाना सीखी और हमें बहुत अच्छा यहाँ सिखाया है बेकरी बनाना अगर हमें कुछ अपना हम अपनी बेकरी भी खोल सकते हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छा बनाना सिखाया है यहाँ पे और हम अगर कोई काम ना मिले हम अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं क्या क्या बना सकते हैं आप यहाँ पे बिस्कुट बना सकते हैं कचौड़ियाँ बना सकते हैं केक बना सकते हैं और हम यहाँ और सब बना सकते हैं थैंक यू राशिद है
मैं यहाँ का अनुपम बेकरी का ये खोज में खोली थी समारोह की, तो 2021 में ये बेकरी खुली थी। तो आज हमने जो लड़कियों को 20 लड़कियों को ट्रेनिंग दी फौज की तरफ से फ्री कास्ट, कोई पैसा को कुछ नहीं दिया हमने, फौज ने दिया। तो उसमें ये मशीनरी जो है ये सभी उन्होंने दी हुई है फौज की आर्मी की तरफ से हमें मिली हुई है। आगे भी हम ये करेंगे कि उसकी लड़कियां आगे 20 सिखाई हैं, तो इससे आगे भी हम 20 सिखाएंगे। तो आज लड़कियों को यहाँ पे सर्टिफिकेट 20 लड़कियों को सर्टिफिकेट भी दे दिए हैं। तो आपके समझते हैं लड़कियां से सीख जाएंगी, इंशाल्लाह ये सीख जाएंगी, अपने पैर पर खड़ी हो सकती है। तो इंडिया में अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ इंशाल्लाह।